पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह के पुतले को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी ने आज पाकिस्तान के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। सिख बरादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान हुकूमत को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, जिन्होंने ये नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की है। महाराजा रंजीत सिंह सिख सल्तनत से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अवल में शुमाली मगरब हिंदुस्तानी बरसगीर पर हुकूमत की थी। रावना टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं शाकिर मातू। जिसे सेकुलरिज्म की मिसाल ना उन्होंने तू पहले कोई दे सकिया, ना उन्होंने तू बाद को अज तक दे सकिया। लिखने में बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए जिन्हें भी डेमोक्रेटिक लिखा गया, जिन्हें भी सेकुलर किया गया, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर कोई सेकुलर राज सी वो महाराज रणजीत सिंह का था और महाराज रणजीत सिंह तक ही रहा। कल उन्हें स्टैचू नाल बेअदबी करके सिखा ने जज्बात को भटकाया गया। मैं वार भी करना पाकिस्तान गवर्नमेंट को, अगर उन्होंने स्टैचू लगाना सी, अगर उसे संभाल नहीं कर सकते, उन्हें लगाया क्यों? पिछले 2019 तो लैके अज तक यह तीसरा इंसीडेंट है जिन्हें भी महाराजा रणजीत सिंह के इशू स्टैचू ना छेड़छाड़ की गई है। कदे बाजू तोड़ी गई और कल पूरा ही उखाड़ के सुटिया गया। सिख जगत इसका पूरा रोष प्रकट करता है। मैं हैरान हाँ कितने ने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो मनियाटी को प्रोटेक्ट करना चाह प्रोटेक्ट करे कल अज जिते थे मनियाटी जिते जिते जो जो मनियाटी रह रही है उन्होंने जो अपने आप सारे सहमे हुए ने कि साडा अगला सर्वाइवल किस तरह है। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को अपील करता कि महाराज रणजीत सिंह स्टैचू वास्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू चुकया जाए, अगर वो सजा मिलनी सजा मिलनी चाहिए। आज के बदले हुए हालात के भी एक ये ना हो कि एक कोई नवा रंग ले ले और सिख जज्बात अपने आप को कंट्रोल ना रख सकन। एक होर इशू मैं अब आप सामने डिस्कस करना चाहना जो सा लोकल इशू है। मैं पूरी सिख संगत वालों ये रोष प्रकट करता कि 15 अगस्त जिस दिन देश आज़ादी बना रहा सी, MM स्टेडियम कल्चर प्रोग्राम किया जा रहा सी, साडे बच्चों ने अपनी पढ़ाई छड़ के इस एपीडेमिक इस कोरोना के काल में महीना महीना प्रैक्टिस की, फाइनल रिहर्सल में पार्टीसपेट किया, लेकिन अफसोस जिस दिन फाइनल सी 15 अगस्त उस साढ़े अमृतधारी बच्चों जिन्होंने गात्रे पाए सन उन्होंने अलाउ नहीं किया गया। असी पाकिस्तान में रोईए, अफगानिस्तान में रोईए कि जम्मू कश्मीर में रोईए, और साढ़े दिलों में बड़ा गहरा जख्म है इस गल का। अगर असी SSP सिक्योरिटी को फोन किया नहीं चक्या गया, इंचार्ज DSP फोन किया वह कहता ऐसा नहीं होया और ना ना